Swagatam, Suswagatam. Good morning and Jai Jinendra. Bharatiya Jain Sanghatana Dwara Ayojit Jain NRI Parichay Sammelan Mein Main Sabhi Candidates Ka, Pratyashiyon Ka Aur Unke Parents Guardians Ka Hardik Hardik Swagat Karta Hoon, Abhinandan Karta Hoon. मित्रों, आज हम सब लोग अपने स्वयं के परिवार के एक अति विशिष्ट कार्यक्रम के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं. मित्रों, परिचय सम्मेलन यह समाज की वैवाहिक परिस्थिति का आईना है. आज के समय में, आज के दौर में, परिवर्तन वाले इस युग में ढेर सारी चीजें बदल रही हैं, तेजी से बदल रही हैं. और तेजी से बदलते हुए इस युग में कितना ही बढ़िया परिवार क्यों ना हो, कितना ही एजुकेटेड और नामी परिवार क्यों ना हो, समृद्ध परिवार क्यों ना हो, रिश्तों की कमी सबको है. मित्रों, आज के जमाने में कोई किसी को रिश्ते बताता नहीं. द फैक्ट इज दिस कि कोई किसी को रिश्ते बताता नहीं, कोई किसी के रिश्ते के बीच में पड़ता नहीं. सगे रिश्तेदार भी रिश्ता बताने में और रिश्ते की जानकारी देने में कतराते हैं. आज के जमाने में अगर बहुत सीधी भाषा में बात की जाए तो कोई किसी की गारंटी नहीं लेता. ऐसे समय में योग्य जीवन साथी की तलाश के लिए 25 वर्ष पूर्व भारतीय जैन संगठना के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय परम श्रद्धे शांतिलाल जी मुथा ने इस समस्या को समझकर इंप्लीमेंटेबल सॉल्यूशन देने का प्रयास किया. मित्रों, और उसका नाम है परिचय सम्मेलन. जैन समाज के माध्यम से शुरू हुआ यह कॉन्सेप्ट ऑफ सम्मेलन आज पूरे देश में हर समाज में प्रचलित परंपरा हो गई है. एक ही दिन में एक ही स्थान पर मेरे एक कैंडिडेट के लिए 25, 30, 40 कैंडिडेट मुझे यहां देखने मिले. यह सुविधा है सम्मेलन में, एक ही दिन में 25, 30 कैंडिडेट दिखना. और उन 25, 30 कैंडिडेट में से आज ही आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो कैंडिडेट्स को. मेरे कैंडिडेट के अनुरूप कौन से 2, 3, 4, 5 कैंडिडेट मुझे योग्य लगते हैं, उनको शॉर्टलिस्ट करना. और वो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट से आज ही यहीं पर मुलाकात कर लेना, मिल लेना, फर्स्ट मीटिंग. ये सब संभव है मित्रों, सिर्फ परिचय सम्मेलन के मंच पर, यहीं पर ये पॉसिबल है. दूसरी बात मैं कह रहा था, व्यक्तिगत रूप से मैं परिचय सम्मेलन के कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बात कर रहा हूं. व्यक्तिगत रूप से मित्रों, हम जो रिश्ते देखते हैं आज के जमाने में, ऑथेंटिसिटी ऑफ रिश्ता इज ऑल्सो ए क्वेश्चन मार्क. बहुत जरूरी बात है कि रिश्ता कितना ऑथेंटिकेट है. अपनी ट्रेडिशनल परंपरा के मुताबिक जो रिश्ता हमें आया, जो बायोडाटा आया, हम जिधर बात कर रहे हों, क्या हम एजुकेशन आपका क्या है ये पूछने के बाद अगर एजुकेशन मालूम पड़ा तो ऐसा कहा जा सकता है क्या, सर्टिफिकेट बताइए प्लीज? नहीं कहा जा सकता. इट इज जस्ट इंपॉसिबल कि हम सर्टिफिकेट मांगे एक एक चीजों के. बट यहां चूंकि हम डायरेक्ट, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, इसलिए हम ये काम कर सकते हैं बींग ए थर्ड एजेंसी कि वो सर्टिफिकेट बताओ यार. वो सर्टिफिकेट है, टिक्ड है, यस. जितनी बात इस किताब में जितनी बातें लिखी हुई हैं, अधिकांश बातों को हमने कंफर्म किया, चेक किया है. दूसरी बात, 1-to-1 में मालूम नहीं कि कितनी सत्यता है बात करने में, मगर यहां डायस पर पब्लिकली आकर अपने बारे में जब कहा जाता है तो मालूम नहीं इसमें से कौन पहचान ले और किसको क्या बात मालूम हो. These are things that can happen only. परिचय सम्मेलन
ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है कि आकर लड़के लड़कियों को देखना है. नो 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 नो, इट इज नॉट लाइक दैट. समाज की वैवाहिक परिस्थिति क्या है उसका आईना है. और परिचय सम्मेलन के इस मंच पर हम किसी भी व्यक्ति को सिर्फ कार्यक्रम को देखने के लिए नहीं आने देते. दिस इज नॉट ए पब्लिक शो मित्रों. ये हम सब जरूरतमंद लोग हैं और एक ही जरूरत हम सबको है. यहां जितने लोग बैठे हैं दे हैव गॉट जस्ट वन नीड टुडे और हम सब उसी नीड से यहां आए. समाज का कितना ही बड़ा व्यक्तित्व क्यों ना हो, परिचय सम्मेलन के इस प्रोग्राम में बिना कैंडिडेट के, बिना रजिस्ट्रेशन के, सिर्फ देखना, चलो मैं देखकर आता हूं क्या चल रहा है. दिस इज नॉट ए पब्लिक शो. ये कोई लड़के लड़कियों की नुमाइश नहीं है. यहां पर हम यहां पर अपनी जरूरत से आए हैं और इसीलिए वी आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट फॉर दैट. मेरा बहुत अनुभव वाला मैसेज एक आपसे शेयर करना चाहता हूं. मैं 20 साल से मैरिज रिलेटेड इश्यूज पर काम कर रहा हूं मित्रों, और अनुभव के आधार पर एक मैसेज आपसे शेयर करना चाहता हूं. फोटोग्राफ को 2% इंपॉर्टेंस दीजिएगा. इट इज जस्ट एन इंडिकेटर. कुछ लोगों के बड़े बेहतरीन फोटोग्राफ आते हैं और कुछ लोग फोटो में भले ही उतने अच्छे ना लगे जितने बढ़िया वो होते हैं. इसलिए फोटो के ऊपर बहुत ज्यादा ऐसा मत कर देना. फाइन कैंडिडेट्स, माय मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू, हम आपका इंटरव्यू लेंगे. वाओ, इंटरव्यू, ये वर्ड में ही डर है. इंटरव्यू इस शब्द में ही डर है. लेकिन मैं आपको बताऊं, आप पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट हैं, ढेर सारे इंटरव्यू फेस किए हैं, करने वाले हैं. ये एक स्पेशल इंटरव्यू है जहां पर कोई विशेष परेशानी की बात नहीं है. बहुत सिंपल बात हम करने वाले हैं. क्या बात करने वाले हैं? जो यहां लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है यहां पर आपके बायोडाटा पर, यहां इस किताब में, लगभग लगभग बस वो ही बात आपसे करने वाले हैं. इससे ज्यादा कुछ नहीं, शायद इससे भी कम करेंगे आपसे. हर कैंडिडेट से लेकिन लगभग एक मिनट के लिए बात करेंगे. और ऑडियंस, मेरा रिक्वेस्ट है कि कैंडिडेट का मोटिवेशन लेवल हाई रहे, उनका सेल्फ एस्टीम हाई रहे, उसके लिए हम सब लोगों को उनका साथ देना है. मित्रों, एक दो बच्चे हैं आज सबको, और ऐसा लगता है कि इतना परिचय तो है ही मेरा कि इन एक दो बच्चों के लिए मैं जैसा चाहता हूं वैसा जीवन साथी ढूंढ ही लूंगा, मिल ही जाएगा. मिलने में कठिनाई होती है, वो बहुत बाद में मालूम पड़ता है कि उतना आसान नहीं है जितना सोचा था. और उसका बहुत बड़ा कारण हमारा एक एजुकेशन पैटर्न है. हम सब के बेटे बेटियां एजुकेटेड हैं कि अधिकांश गर्ल्स के पेरेंट्स को यह लगता है और गर्ल को भी लगता है. एक परंपरा पिछले 50-100 साल से चली आ रही है कि लड़की के लिए मैं लड़का ढूंढूं तो थोड़ा सा एक लेवल ऊपर होना चाहिए. अवेलेबल है क्या यह? समाज, यह समाज का चित्र नहीं है, यह यहां का चित्र है. मगर समाज का ट्रेंड इससे अलग भी नहीं है मित्रों. समाज का ट्रेंड भी यही है जो चित्र यहां पर हम देख रहे हैं. दिस इज द ट्रेंड ऑफ समाज. और इसीलिए ये मैसेज हम आपको देना चाहते हैं. मित्रों, हमने खूब सारे बैरियर लगा के रखे हुए हैं रिश्ता तय करने के लिए. बैरियर ऑफ एजुकेशन, बैरियर ऑफ लेवल ऑफ एजुकेशन, डिसिप्लिन ऑफ एजुकेशन. क्रॉस कॉम्बिनेशन चल नहीं सकता? बिल्कुल चल सकता है, व्हाई नॉट. जितने ज्यादा बैरियर हम लगाएंगे रिश्ते उतने कम हाथ लगेंगे. रिश्ते जितने कम हाथ लगेंगे उम्र उतनी बढ़ती जाएगी, और उम्र बढ़ती गई तो फिर कॉम्प्रोमाइज स्टेज पे आएंगे. और कॉम्प्रोमाइज स्टेज पर कब आएंगे? जब पानी सर पर से चला जाएगा, और तब फिर बहुत सारी चीजों में लिबरल हो जाएंगे. मित्रों, कौन सी बात के बैरियर को कम करना, यह आपका पर्सनल लुकआउट हो सकता है. मेरा तो मैसेज सिर्फ इतना है आप सब लोगों को कि बैरियर कम होने चाहिए. बैरियर कम करिए. बैरियर कम करना ही आज की नितांत आवश्यकता है. और इस बात को विशेष रूप से मैं उल्लेखित करना चाहता हूं. मैरिज पर्पस के लिए पंथ कितना इंपॉर्टेंट और कितना इंपॉर्टेंट नहीं है,
मगर एजुकेशन जरूर इंपॉर्टेंट है, ये पक्का मैं जानता हूं, और हमने किसको कितनी प्रायोरिटी देना चाहिए, किसको कितना वेटेज देना चाहिए, ये हम पर निर्भर करता है।